गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द टर्म कॉन्ग्रेंसी और कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट फिगर्स किन्हें कहते हैं? द फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए तभी कॉन्ग्रेंट होते हैं। शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम। आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल, दीज आर टू सर्कल्स एंड इफ दे हैव द सेम रेडियस, अगर उन दोनों की रेडियस बराबर है, वी कैन से दीज आर कॉन्ग्रेंट एंड दिस इज द साइन फॉर कॉन्ग्रेंसी। आपको दो इक्वल टू के साइन लगाना और उस पर इससे कर्व लाइन बनानी है। अब ये दोनों स्क्वायर्स हैं, बट अगेन आप देखोगे शेप सेम है बट सेम साइज नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर मैं ट्राइंगल में बोलूँ, ये दो ट्राइंगल है जिसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसमें कॉन्ग्रेंसी का नाम लिखा जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी इन ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंसी किस किस तरह की होती है? तो आपके पास दो ट्राइंगल है, मान लीजिए पी क्यू आर और ए बी सी। तो अगर हम कहें कि आप देखो, जब भी हम कॉन्ग्रेंसी लिखते हैं तो फाइव लाइन्स हमें लिखनी पड़ती है। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम, तो मेरे ट्राइंगल का नाम हो गया ए बी सी एंड पी क्यू आर। उसके बाद कौन सी तीन चीज़ें बराबर है, हमेशा तीन बराबर होनी चाहिए, चाहे साइड्स हों चाहे एंगल्स हों, आपको कोई भी तीन चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो मैंने बोला ए बी इक्वल टू पी क्यू आर है, इसमें बी सी इक्वल टू क्यू आर है और ए सी इक्वल टू पी आर है। ये तीनों कंडीशन लिखी और उसके बाद हमने लिखेंगे देयरफॉर। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए तो हम कहेंगे ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी का नाम हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। और दीज आर द फाइव लाइन्स, पहले ट्राइंगल का नाम, उसके बाद तीन उसकी जो साइड्स हैं या एंगल्स हैं जो भी, और अगर कोई कॉमन है तो उसके आगे रीजन भी लिख लेते हैं, गिवन है तो गिवन, और उसके बाद ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंसी का नाम। सेकेंड कॉन्ग्रेंसी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, जिसमें दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। तो हमने ये बनाई फिगर, ये दोनों साइड बराबर है, ये वाली बराबर है, इनके बीच का ये एंगल बराबर है। इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं बोलूँ ए एस एस की, अगर मैं बोलूँ कि साइड एंगल ये बराबर है, ठीक है, लेकिन साइड ये बराबर है, ये वाली बराबर नहीं है, इसकी जगह ये बराबर है, तो हम नहीं कह सकते इन दिस केस कॉन्ग्रेंसी इज़ नॉट पॉसिबल। एंगल हमेशा साइड के बीच का ही होना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस केस कॉन्ग्रेंसी इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, एंगल साइड एंगल और ए ए एस, एंगल के बीच में साइड हो सकती है, जैसे ये दो एंगल बराबर है उनके बीच में साइड बराबर, या इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि दो एंगल बराबर और उनके साइड कोई और भी होगी, ये तो ए एस से हो गई, ठीक है, एंगल और उनके बीच में साइड। अगर मैं ये वाली साइड हटा दूँ, अगर मैं ये वाली साइड रब कर दूँ और मैं कहूँ कि ये साइड बराबर है, तब भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर होता ही है ट्राइंगल में, दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर। तो ये कॉन्ग्रेंसी दो तरीके से की जा सकती है, ए एस से और ए ए एस, लेकिन एस ए एस केवल यही लिखी जा सकती है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। लास्ट कॉन्ग्रेंसी इज आर एच एस। आर एच एस का मतलब राइट एंगल हाइपोटन्यूज साइड। तो दो ट्राइंगल बनाए हमने, पहले हमने बोला ये दोनों राइट एंगल है, ये दोनों हाइपोटन्यूज इक्वल, कोई भी एक साइड बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी। एस 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 तीनों साइड बराबर हो, एस ए एस दो साइड उनके बीच का एंगल, तीसरी हो गई दो एंगल उनके बीच की साइड, या इसको मॉडिफाई हो सकती है ए ए एस। और लास्ट इज आर एच एस कॉन्ग्रेंसी मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल में ही लग पाती है, बाकी आप किसी पे भी लगा सकते हो, लेकिन ये हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगा सकते हैं।